What's up? Welcome back to my channel. Guys, this is my last day in Hyderabad and I'm so excited to go back to Kamal, Bacche. Kal main shopping bhi gayi thi. मैंने व्लॉग नहीं किया बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू बी वेरी सेफ, क्योंकि मैं पहली बार मॉल जा रही थी. यहाँ पे दैट थिंग इज स्टिल नॉर्मल, लाइक मॉल्स खुल गए हैं. मुंबई में भी मॉल्स खुल गए हैं बट हम लोग नहीं जा रहे थे अभी तक. बट यहाँ पे मैं सब प्रिकॉशंस का ध्यान रख के मॉल गई थी. सो दैट इज़ वाई आई डिडंट व्लॉग येस्टरडे, क्योंकि मैंने कहा यार व्लॉग के चक्कर में ना कहीं कुछ इधर उधर हाथ ना लग जाए. तो एनी वे, सो कल मार्केट गई थी मैं, लेके आई हूँ सामान, थोड़े से गिफ्ट्स लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं, बच्चों के लिए भी लेके आई हूँ एक दो चीज़ें और कमल के लिए भी लेके आई हूँ. मैं खुद दिखा देती हूँ. एक्चुअली आई जस्ट वोक अप और अभी अभी मैंने चाय बोली है, उधर आज आंटी को बोली है, आंटी बना के दे रहे हैं. टुडे इज़ माई लास्ट डे, आज मुझे पैकिंग भी करनी है, सारा कुछ करना है. तो या कमल ऑल्सो इज़ वेरी एक्साइटेड जान के. मैंने टिकट बुक जब करी थी तो उसको बताया नहीं था, पहले मैंने सोचा था उसे सरप्राइज़ दूंगी, फिर धीरे धीरे उसने मुझसे निकलवा लिया कि टिकट बुक करी है कि नहीं करी है. तो फिर मैंने उसे धीरे धीरे करके ये बता दिया कि हाँ भाई मैंने टिकट बुक कर लिया, बट मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैं कब आ रही हूँ. देन एवरी डे ही स्टार्टेड आस्किंग मी. चार दिन पहले कराई थी मैंने टिकट बुक, एवरी डे ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि तू आ जा रही है ना, कितने बजे की फ्लाइट है, आ जा रही है ना. तो वन सेकेंड, तो मुझे ना बुरा लग रहा था ऐसे कि यार रोज़ ही बेचारा पूछ रहा है तू आ जा रही है ना, तू आ जा रही है ना. तो मैंने उसे बता ही दिया कि भाई मैं 17 तारीख को आ रही हूँ, सुबह सुबह फ्लाइट है. तो एनीवे, तो कल मैं शॉपिंग के लिए गई थी, मैं ले आई थी उनके लिए थोड़े से सामान. मतलब ये सब चीज़ें वहाँ से भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, बट इट्स जस्ट दैट जब मैं कहीं से भी जाती हूँ ना हॉलीडे से, वेकेशन से, तो मुझे ऐसे होता है कि कुछ चीज़ लेके जानी चाहिए. थोड़ा सा अच्छा लगता है ना कि भाई मैं कुछ लेके आई हूँ, या सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि हाँ क्या लेके आई है. मैं चाय लेके आती हूँ और साथ साथ आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ. ओके, चाय आ गई है, चीयर्स. कमल के लिए मैंने करी मार्क्स एंड स्पेंसर से शॉपिंग और बच्चों के लिए करी है मैंने मैक्स से शॉपिंग. मैंने सोचा था कि ये भी सरप्राइज़ दूंगी मैं कमल को. फिर मैंने कल कमल की शाम को शक्ल देखी और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैं आ रही हूँ आ रही हूँ, कि मैंने उसे ये भी बता दिया कि मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आ रही हूँ. और कैन यू इमेजिन, वीडियो कॉल पर दिखा भी दिया क्या लेके आ रही हूँ. सो एक मैं ये मार्क्स एंड स्पेंसर की टी शर्ट, वाइट कलर की टी शर्ट, पोलो टी शर्ट, और एक मैंने ली है ये शर्ट, बड़ा डिफरेंट है. ये कलर का चेक ना तो कमल के पास था, और या ऐसी कोई शर्ट थी नहीं कमल के पास, तो दैट्स द रीज़न आई टुक दिस. एंड उस अच्छी चीज़ ये है कि उसके पास सब ऊपर सब कुछ जच जाता है. अब मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों के लिए मैं क्या लेके आई हूँ. टाडा, पहले एटम के लिए दिखाती हूँ. मुझे बहुत शौक है उनको कुत्तों वाले कपड़े ना पहनाने का. मतलब मुझे ऐसे लगता है नॉर्मल टी शर्ट्स उन पर बहुत अच्छी लगती है. आप जो भी कपड़े देखते हो वो सारे मैं मैक्स से या लाइफस्टाइल से यहाँ से ही खरीदती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ कई बार. तो आज मैं गई थी तो मैक्स से मुझे मिल गए. तो ये है मेरे बच्चे का टी शर्ट, पीछे से प्लेन, और वेट फॉर इट. हा 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 हा, पिंक कलर का. मिस्टी के पास कुछ पिंक कलर में नहीं था तो ये ले आई, और इसमें पीछे भी यही है. सो ये चार चीज़ें, एक एटम के लिए, एक मिस्टी के लिए और दो पापा के लिए. तो ये सब चीज़ें मैं कल लेके आई. सो या आई विल नाउ एंजॉय माय चाय एंड आई विल गेट बैक टू यू गाइस इन सम टाइम. You know that I'm the queen of overthinking. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave him. Breakfast आ चुका है, दिखा देती हूँ मैं क्या है. छोले पूरी. डाइट की तो ना यहाँ पे ऐसी की तैसी हो रखी है, मतलब मैं बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही हूँ के क्या खा रही हूँ. आई हैव ईटन सो मच इन लास्ट 15 डेज. यू नो दैट आई एम द क्वीन ऑफ ओवरथिंकिंग. इट्स लाइक वी डन बिफोर वी इवन स्टार्टेड.
So if this is the end, I'll be... Mishtu? 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 Mishtu, mamma kahan hai? ये देखो लेट गई, कह रही मम्मा की आवाज आ गई, प्यार कर दो अब। मिष्टू, एटम, अट्टू कहाँ है? एटम एटम, ओए अट्टू, अट्टू, खाना नहीं खा रहा? ओ गॉड, ओके, चलो, ठीक है बच्चा, मैं रखती हूँ। बाय। बाय द वे, मैं अपनी सासू माँ के लिए भी कुछ लेके आई हूँ, जो उन्होंने खुद से मंगवाया था। उन्होंने मुझे बोला था कि उन्हें हैदराबादी चूड़ियाँ जो होती हैं ना, बड़ी फेमस सी, वो चाहिए। तो बहुत सारे चूड़ियाँ और कंगन, ये सारी चीज़ें मैं उनके लेके आई थी। ओके, एवरीथिंग आई हैव टू पैक। इनफैक्ट ज़मीन पे भी गिरी हुई है चीज़ें। ओके, इट्स ऑलमोस्ट डन। थोड़ा बहुत सामान अभी रह गया है जो मुझे चाहिए अभी कल तक, सो मोस्टली इट्स डन। गुड मॉर्निंग गाइज, आई एम रेडी टू लीव फॉर द एयरपोर्ट। माई सामान इज़ रेडी। एक बैग एक्स्ट्रा हो गया है बिकॉज ऑब्वियसली सामान थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा शॉप करा है, थोड़ा बहुत कंचन ने मुझे सामान दिया है। सो एनी वे, आई एम लीविंग इन अबाउट 10 minutes फ्रॉम हियर। आई एम जस्ट हैविंग माई चाय एंड देन आई लीव फ्रॉम हियर। एंड या आई एम गोइंग टू सी यू गाइज इन मुंबई नाउ। अभी के लिए मैं ब्लॉग बंद कर रही हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट टू कीप माई कैमरा इन द बैग, सो दैट मेरा मतलब ज़्यादा इधर उधर मेरा हाथ नहीं लगे। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक प्रिकॉशंस। सो या आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग। आई एम गोइंग टू सी यू गाइज सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम मुंबई नाउ। एंड या आई एम जस्ट सो एक्साइटेड टू बी बैक होम। बाय, टाटा। Queen of overthinking, it's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all.